तो दिल्ली की सर्दी में जायके की खोज आज हमें लेके आ गई है सेक्टर 8 रोहिणी सरदार जी जीप वाले पे, जहाँ पे आपको मिलता है राजमा चावल, पालक पनीर चावल, सोया चाप चावल, काजू मटर पनीर चावल, शाही पनीर चावल, कढ़ी चावल और स्पेशल वेज थाली। नमस्कार बाजी, कैसे हो आप? सर बहुत बढ़िया, आप सही हैं। जैसे कि बाजी ऑल ओवर इंडिया से आपको हर कोई जानता है कि आप फेमस है जीप वाले पाजी के नाम से। जी जी। तो हमारे व्यूअर्स को आज अपना फूड दिखाइए। सर आज का स्पेशल है ये मखनी पनीर। ओ मखनी पनीर, और ये जो हांडी है सर ये पीतल की हांडी है। पीतल की हांडी, देखो गाइस और नीचे देखो फ्लेम भी, आप देखोगे गैस चल रही है। अगर आप आओगे यहाँ पे आपको गर्मा गर्म सर्दी में ना इस सर्दी में फूड मिलेगा। और नेक्स्ट क्या बाजी? सर ये सोया चाप है। वाओ, देखो सोया चाप गाइस, पीस देखो, ग्रेवी देखो, बहुत ही बढ़िया। कड़ी पकौड़ा देखो यार, कड़ी पकौड़ा कलर देखो यार, ग्रेवी कितनी बढ़िया लग रही है, लाजवाब। इसमें राजमा है। राजमा, वाओ यार, पानी वाले राजमा नहीं भैया, गाढ़े गाढ़े राजमा भाई। ग्रेवी बिल्कुल दिख भी रही है, कितनी थिक ग्रेवी है और कलर देखो, और प्रॉपर गर्म हो रहा है फूड आपको मिल रहा है यहाँ पे। सोयाबीन वाले राइस है। ये है सोयाबीन राइस और बासमती चावल है, खिले खिले राइस मिल रहे हैं गाइस आप लोगों को यहाँ पे, लाजवाब पाजी। सर ये चेक कीजिए रायता। ये कौन सा रायता पाजी? सर ये बूंदी अनार वाला है। बूंदी अनार? हाँ जी। मतलब बूंदी के साथ साथ आप अनार भी सर्व कर रहे हो, वाओ यार। डे वन से सर हम स्टार्ट करते हैं, इसको क्या नाम है, अनार डाल रहे हैं। यूजली हम क्या नाम है इसके अंदर क्या नाम है, पाइनएप्पल भी डालते हैं, बट सर्दी की वजह से ताकि लोगों का गला ना खराब हो, इस वजह से हमने इसमें पाइनएप्पल डालना फिलहाल बंद कर रखा है। मतलब देखोगे कितना गाढ़ा रहता है, ये नहीं कि नॉर्मल पानी डाल दिया जाता है और वैसा सर्व कर रहे हैं। टाइमिंग 12:30 बजे से लेकर 2:30 मैक्सिमम 3 बजे तक। 3 बजे तक और 7-8 दिन अवेलेबल है? नहीं सर, संडे ऑफ होता है। संडे ऑफ रहता है, ठीक है। थैंक यू पाजी, हमारे लिए थाली लगाइए आप। फाइनली सरदार जी जीप वाले पे हमारी वेज थाली लग चुकी है, और हमें क्या क्या मिला है इसमें चमोली? हमें मिला है मखनी पनीर, ये देखो। साथ में यहाँ पे मिल रहा है हमें सोयाबीन चाप, प्लस हमें मिल रहे घर के बनी हुई राजमा, और अगर आप देखोगे तो सोयाबीन राइस मिला है हमें, वाओ। और साथ में ये देखो हमें मिला है रायता, और ये देखो पापड़, और ऐसे पापड़ कभी आपने देखे हैं? और घर की बनी चपाती। ऑल ओवर इंडिया से ना इनको हर कोई जानता है, इतने फेमस हो चुके हैं जीप वाले सरदार जी। तो आज हम भी आए स्पेशली ये फूड टेस्ट करने के। सर्दी के मौसम में आपको गर्मा गर्म खाना मिल जाए तो भाई उसकी बात ही कुछ और है। तो पहले हम करते हैं टेस्ट, चपाती टेस्ट करते हैं, क्योंकि चपाती अगर जरा ठंडी होगी ना फिर थोड़ा, सही बात है, मजा नहीं आएगा। वाइट बनाते हैं चपाती की पनीर के साथ। ये पनीर के पीस अगर आप देखोगे ना तो ये काफी बड़े बड़े पीस है, ये देखो, ये दिखाता हूँ पनीर का, ये देखो कितना बड़ा पीस है पनीर का। भाई बहुत ही लाजवाब स्वाद है, जो ग्रेवी का स्वाद, जैसे आप मुंह में बाइट लेते हैं ना फर्स्ट, और जब आपको टंग में टच होती है वो बाइट, तो पता चलता है वो फ्रेगनेंस और वो स्वाद आता है। भाई साहब बहुत ही बढ़िया, टेस्ट बहुत अच्छा है, थोड़ा मीठा मीठापन है क्योंकि मखनी पनीर जो होती है थोड़ा सा मीठापन उसमें आ जाता है, बहुत टेस्टी है। ये देखो ग्रेवी यार, लुक एट द ग्रेवी यार, जिस चाप का पीस, ये देखो ये प्रॉपर चाप का पीस देख रहे हो, कितना सही पीस है, और एक बाइट बन रही है चाप की, ये देखो अच्छे से ग्रेवी में डुबाते हैं और एक बाइट बनाते हैं। इसका स्वाद भी बड़ा अच्छा है, बहुत ही सिंपल है और काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका भी। अब हम करते हैं राजमा राइस, वो भी राजमा कैसा टेस्ट। हाँ। और ये जो राइस भी मिल रहे हैं ना आपको, सोयाबीन राइस मिल रहे हैं स्पेशली इसमें आपको सोयाबीन। हाँ। का ये देखो पीस दिखाते हैं, ये देखो भाई राजमा का स्वाद भी इतना बढ़िया है, जैसा पाजी बता रहे थे ना, जैसे पतला पतला पानी जैसा दिखता है आपको, राजमा अलग होता है, ग्रेवी अलग होती है, काफ़ी अच्छी ग्रेवी है इसकी भी और टेस्ट बहुत अच्छा है। सही। और ये साथ में हमें छोटे छोटे से पापड़ मिले हैं, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। थोड़ा यूनिक है, मैं ज़रूर बोलूँगा अपने व्यूअर्स को, जो भी ये वीडियो देख रहे ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ऐसे पापड़ किस किसने खाए हैं, ऐसा टेस्ट करना बनता है, क्योंकि स्पेशली उन्होंने इसमें अनार भी डाला हुआ है, इतना ये देखो, देखो कितना गाढ़ा रहता है बूंदी का। ओए होए कैसा है भाई, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही स्वादिष्ट है भाई, ऐसा रायता खाने को मिल जाए ना तो सर्दी में भाई खाते जाओ, टेंशन मतलब सर्दी की। ऐसा आपको दिख रहा है कि हमने सारा फूड टेस्ट कर लिया है और सब कुछ एक से बढ़ के एक है, तो आपको यहाँ पे आके बिल्कुल खाना टेस्ट करना चाहिए, वो भी थोड़ा यूनिक तरीके से बेच रहे हैं, सरदार जीप वाले के नाम से फेमस हैं, वैन है यहाँ पे, जीप पहले थी बट अब वैन है। सो यहाँ पे आने के लिए आपको आना पड़ेगा सेक्टर 8 रोहिणी नियर भारत पेट्रोलियम, आपको दिख रहा होगा वो देखो, वहाँ भारत पेट्रोलियम है, वो 100 मीटर जैसे आगे आते हो आपको ये वैन दिख जाएगी जहाँ पे सरदार जी वेज फूड सर्व करते हैं। एंड आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइस, बाय बाय।